नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब एजुकेशन हब दे विच तुहाडा स्वागत है। दोस्तों पंजाब एजुकेशन हब दे विच अज जिहड़ी वड्डी अपडेट है, जां ऐ कहीए कि बहुत वड्डी अपडेट है, जिहड़े 5 लख मुलाजमां दा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करन दा इक सपना सी जिहड़ा ओह अधूरा रह गया। दोस्तों इस तों पहलां जे तुसीं साडे चैनल ते नवे हो तां साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। दोस्तों अज की जी वड्डी अपडेट है, 5.5 लाख जिहड़े मुलाजमान का एक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करन दा एक सपना सी ओह अधूरा रह गया। पेंशन ला रेगुलेटरी अते डिवेलपमेंट अथॉरिटी जो केंद्र के अधीन आती है ने नवी पेंशन योजना के तहत राज के हिस्से अते कर्मचारियों का जिहड़े योगदान दे 39,000 करोड़ रुपए वापस करन तो इनकार कर दिता। अहजे विच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दा जिहड़ा बजट ऐलान सी ओह जमीन ते उतरन तो पहला ही लटक गया। हालांकि सूबा सरकार ने अजे तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करन लई कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। दोस्तों जिहड़ी अपडेट है राजस्थान के जिहड़े मुलाजम ने उन्हां नाल संबंधित है, जिहड़े 5.5 लाख मुलाजम सी जिहड़ां दा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करन दा सपना अधूरा रह गया। ये नाल नाल दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े बजट विच मुलाजमान लई जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करन दा ऐलान किया सी। सरकार ने 1 अप्रैल 2022 तो पुरानी पेंशन स्कीम भावे OPS लागू करन दा ऐलान किया सी अते ए भी कहा सी कि NPS यानी नवी पेंशन स्कीम विच कर्मचारियों की कटौती बंद कर दी जाएगी अते PF RDA विच जमा होने रकम नू GPS विच तब्दील कर दिता जाएगा। दोस्तों इहदे नाल नाल इत्थे दे जिहड़े राज दे वित्त विभाग 21 अप्रैल नू PFRDA नू पत्र लिखे कहा सीगा कि राज सरकार 1 जनवरी 2004 तो NPS अधीन आउंदे मुलाजमां लई OPS इसलिए सूबे सरकार मुलाजमां नू नवी पेंशन स्कीम विच दित्ते योगदान नू वापस लेना चाहुंदी है अते 2 मई नू BFRDA ने जवाब दिता कि PFRDA एक्ट 2013 अते PFRDA रेगुलेशन 2015 विच जिहड़ी NPS स्कीम दे तहत मालिया प्राप्त विच राज विच सरकार दे हिस्से दी जमा रकम नू वापस करन लई कोई भी व्यवस्था नहीं हैगी। इहदे नाल नाल दोस्तों ये भी खबर आ रही है भी राज सरकार ने 1 अप्रैल नू जिहड़ी नवी पेंशन स्कीम दे तहत कटौती बंद कर दित्ती सी। सरकार राज वांग हर साल NPS विच 2,000 रुपये जमा करवा रही सी। जेकर PFRDA यह रकम वापस नहीं करता तो भी राज सरकार मुलाजमान नू पुरानी पेंशन दे सकती है। सूबा सरकार इस मामले विच कानूनी राय ले रही है। उन्हें भी दस दिए राजस्थान तो अलावा छत्तीसगढ़ और हिमाचल विच भी जिहड़ी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। जेकर 3 राज इकट्ठे पैसों का आदान प्रदान करते हैं तो PAFRDA के जिहड़े खाते विच लगभग 1 लाख करोड़ रुपए निकलणगे। ये नाल सूबा सरकार ने 1 अप्रैल तो जिहड़ी नवी पेंशन स्कीम च कटौती ते रोक ला दित्ती सी पर दफ्तरां ने लागू करन दे हुकम जारी नहीं किते। अहिजे च NPS दा जिहड़ा लाभ मिलना बंद हो गया सी पर अजे तक दफ्तरां नूं लाभ मिलना शुरू नहीं होया। जेकर कानूनी मुश्किलां कारण दफ्तरां नूं लागू करन दी दिक्कत आउंदी है तां कर्मचारियों नूं दुगना नुकसान होवेगा। इहदे नाल नाल कटौती नवी पेंशन स्कीम समर्था अनुसार सिर्फ मुलाजमान नूं ही लाभ मिल रहा सी जो दोस्तों हुण बंद हो गया है। जे आपां सूबे की गल करिए तां मुलाजमान दीआं जिहड़ी जत्थेबंदियां ने मंग कीती है कि केंद्र अते सूबे की लड़ाई विच मुलाजम प्रभावित ना हो। राजस्थान के जिहड़े चित्रा फैडरेशन के प्रधान गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है कि PFRDA के जिहड़े मुलाजमान के हिस्से की राशि तुरंत GPF विच जमा करवाई जाए, जबकि सूबा सरकार पुरानी पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करे ता जो कर्मचारियों नूं राहत मिले। दोस्तों ये जिहड़ी साडी अज दी अपडेट सी ये मुलाजमान नाल जुड़ी हुई सी, जिहड़े राजस्थान के 5.5 लाख मुलाजम ने जिन्हां लई इक बुरी खबर है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करन दा जिहड़ा सपना सी उहनां दा अधूरा ना रह जाए। दोस्तों जे तुहानूं साडी अपडेट वधिया लगी होवे तां वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो ते साडे हौसला अफजाई लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब करियो।